किसी समय एक नगर में एक बहुत ही कुशल मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी। मूर्तिकार को जैसे कोई कहता था वह हूबहू वैसे ही मूर्ति बना देता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर और सजीव सी लगती थी। ऐसा लगता था कि मानो मूर्तिकार ने मूर्ति में जान डाल दी हो। उसकी मूर्तियों की खूबसूरती और कुशलता की चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। जब राजा को मूर्तिकार के बारे में पता चला तो राजा ने भी मूर्तिकार को राजमहल में बुलवाया और अपने प्रिय रानी की मूर्ति बनाने को कहा। मूर्तिकार ने सफ़ेद संगमरमर के पत्थर पर रानी की हूबहू खूबसूरत मूर्ति कुछ ही दिनों में तैयार कर दी। राजा मूर्तिकार के काम से बहुत खुश हुआ और मूर्तिकार को ढेर सारा सोना इनाम में दिया। साथ ही साथ मूर्तिकार के सम्मान में राजमहल में एक दावत का आयोजन किया गया। उस दावत में राजा के गणमान्य नागरिक, मंत्री, सलाहकार, साहूकार, सेठ, विद्वानों को भी आमंत्रित किया गया। दावत की तिथि और समय निश्चित कर लिया गया। मूर्तिकार व्यक्ति बेहद सरल और समझदार व्यक्ति था। वह बेवजह के दिखावे में विश्वास नहीं रखता था। इतना प्रसिद्ध होने के बावजूद वह साधारण जीवन जीता था। जिस दिन राजा ने दावत का आयोजन किया था उस दिन वह मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति राजा के निमंत्रण का ध्यान ही नहीं रख पाया। जब उसकी पत्नी ने उसे राजा की दावत के बारे में बताया तो उसने जल्दी से काम को छोड़ा और मुंह हाथ धुला और जो कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों में वह राजमहल की ओर चल दिया। उसके कपड़े गंदे और बेतरतीब थे। महल के द्वार पर सैनिकों ने उसे रोक लिया। मूर्तिकार ने कहा कि मेरे ही सम्मान में राजा ने भोज का आयोजन किया है और तुम मुझे ही रोक रहे हो। सैनिकों को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। सैनिकों ने कहा कि राजा का विशेष अतिथि इस प्रकार गंदे बेतरतीब कपड़ों में होगा ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर तुम विशेष अतिथि हो भी तो क्या तुम्हें कपड़ों के बारे में इतना शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है कि राजा की दावत में कैसे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। मूर्तिकार सैनिकों के व्यवहार से बहुत लज्जित हुआ। वह वापस घर आ गया। मूर्तिकार घर पहुंचता है और कुछ सिक्के अपने जेब में डालता है और बाजार की ओर चल देता है। बाजार में वह सीधे कपड़े की दुकान पर जाता है और वहां एक सफ़ेद झक कुर्ता पायजामा खरीदता है, साथ ही एक खूबसूरत टोपी भी लेता है। और अब नए कपड़े पहनकर जब मूर्तिकार फिर से राजमहल पहुंचता है तो सैनिक उसका स्वागत करते हैं और स्वयं एक सैनिक उसे दावत वाले स्थान पर छोड़कर आता है। दावत में सभी लोग मूर्तिकार का इंतजार कर रहे थे। राजा ने मूर्तिकार का परिचय दावत में उपस्थित सभी लोगों से कराया और उसके काम की सराहना की। अब मूर्तिकार को भोजन परोसा गया। भांति भांति के पकवान, शरबत, रायता, मिठाई, नमकीन आदि परोसा गया। मूर्तिकार अपनी जगह पर खड़ा हुआ तो सब लोग उसकी ओर देखने लगे। मूर्तिकार ने शरबत का एक गिलास उठाया और अपने सफ़ेद कुर्ते पर डाल दिया और कुर्ते से पूछने लगा कि क्यों भाई कुर्ता, कैसा लगा तुम्हें यह शरबत। सब लोग मूर्तिकार की इस हरकत से हैरान रह गए। राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? मूर्तिकार ने राजा को जवाब दिया, महाराज, इन्हीं कपड़ों को तो दावत में बुलाया गया है। एक इंसान से ज़्यादा कीमती तो ये कपड़े हैं। राजा को बात समझ में ना आई। राजा ने मूर्तिकार से कहा कि खुलकर बताओ क्या बात है। मूर्तिकार ने सारा वाक्या राजा को बता दिया कि किस प्रकार साधारण कपड़ों में सैनिकों ने उसे वहां से भगा दिया था। मूर्तिकार की बात सुनकर सभी लोग शर्मिंदा हो गए। मूर्तिकार ने कहा, महाराज, मेरे कपड़ों से ज़्यादा मूल्यवान मेरी कला है। मेरी कला ही मेरी पहचान है। राजा ने सैनिकों की उद्दंडता पर उन्हें बर्खास्त कर दिया और मूर्तिकार को अपने मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे मूर्तिकार ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। मूर्तिकार ने कहा कि महाराज, मेरी पहचान मूर्तिकार की है। मूर्तियां बनाकर ही मैंने ये प्रसिद्धि पाई है। मैं कला का सेवक हूँ, मुझे वही रहने दीजिए। मित्रों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें कला का सम्मान करना चाहिए, व्यक्ति के गुणों का सम्मान करना चाहिए, ना कि उसके रहन सहन, उसके व्यवहार और उसके वस्त्रों पर हमें कोई ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी का सम्मान करना चाहते हैं, अगर हम किसी कला के प्रेमी हैं, अगर हम किसी के गुणों से प्रभावित हैं, तो वह क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसे रहता है, इस बात से हमें मतलब नहीं रखना चाहिए।